कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्शियल डेट्स ने मचाया है बॉलीवुड में हंगामा, कौन होगी फिल्म की लीड एक्ट्रेस। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीकैट स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसने बॉलीवुड की दुनिया में भी गहरा इम्पैक्ट डाला है, तो आइए शुरू करते हैं। बॉलीवुड की दुनिया एक सुंदर सोने की चिड़िया की तरह है, जो दूर से देखने में तो बहुत प्यारी लगती है और बस मन करता है कि इसे ही देखते रहें, पर असल में इस लाइमलाइट और चकाचौंध ने कई सितारों को लुप्त कर दिया है। उन सितारों को ना कभी कोई भूल सका है और ना भूल पाएगा। अपनी एक्टिंग और अंदाज से सुपरस्टार्स ने ऐसा कमाल दिखाया था कि आज भी उनकी फिल्म देख ले तो आंखों में पानी आ ही जाता है, पर फिर उनकी एक्टिंग और कॉमेडी हंसने पर मजबूर भी कर देती है। अब थे ही वो इतने टैलेंटेड कि कोई उन्हें कैसे भूल सकता है, पर इन दोनों की ही कॉन्ट्रोवर्शियल डेथ ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। चाहे वो 90s की ब्यूटीफुल और बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बाबी हो या दिव्या भारती, दोनों ही अदाकार की मौत ने सबको चौंका डाला था, पर आज भी इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि क्या थी इन दोनों अदाकार की मौत की असली वजह। बॉलीवुड की एक और दीवा जिसने अपनी एक्टिंग और स्टाइल से एक अलग ही छाप छोड़ी थी, जो आज भी बरकरार है, और वो एक्ट्रेस हैं श्रीदेवी। इस एक्ट्रेस की अकस्मात मौत ने सबको शॉक कर दिया था और आज भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है कि मर्डर था या एक्सीडेंट। इन अदाकाराओं के अलावा बॉलीवुड के एक और चहेते सितारे हैं जिनके सुसाइड की खबर ने सबको शॉक कर दिया था, और वो एक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत। इस एक्टर की डेथ को कई एंगल से देखा गया था और इस न्यूज ने तो वर्ल्ड वाइड गहरा इम्पैक्ट भी डाला था, पर आज भी सुपरस्टार की डेथ की वजह सामने नहीं आ पाई है। इन सब के अलावा बॉलीवुड की एक और कॉन्ट्रोवर्शियल डेथ है जिस पर अब फिल्म भी बनने जा रही है, और वो है कैसेट किंग गुलशन कुमार की डेथ मिस्ट्री। फिल्म का टाइटल मोगल डिसाइड किया गया है। ये फिल्म गुलशन कुमार की बायोपिक होगी, जो उनकी जिंदगी में हुई हर एक घटना को दर्शाएगी और साथ ही उनकी कॉन्ट्रोवर्शियल डेथ मिस्ट्री को भी। गुलशन कुमार की डेथ की वजह अंडरवर्ल्ड डॉन माने जाते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन के धमकाने के पहले जब गुलशन कुमार ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया था, तब अंडरवर्ल्ड डॉन ने अपने कुछ लोगों से कहकर उनके शरीर पर 3 गोलियां मरवा कर उनकी हत्या कर दी थी। इन सब घटनाओं को ये फिल्म दर्शाएगी। फिल्म मोगल गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। वो इसे बनाने में पूरी मेहनत डाल देना चाहते हैं। इस फिल्म के लिए भूषण कुमार ने आमिर खान को कैसेट किंग के रोल के लिए चुना है। हालांकि अभी तक फिल्म के लीड एक्टर्स पर मोहर नहीं लग पाई है, पर शायद दिव्या खोसला कुमार ही इस रोल को निभाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अदाकारा कई फिल्म्स जैसे कि सनम रे, बुलबुल और सत्यमेव जयते 2 में भी नजर आई हैं, तो हो सकता है कि चांस भी दिव्या को ही मिल जाए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसे कास्ट करते हैं भूषण कुमार आमिर खान के अपोजिट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीवुड स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।